नमस्कार सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। आंखें हैं तो जहान है, किस सार्थकता को सिद्ध करने वाली समाज सेवी संस्था नेत्रम आई फाउंडेशन के तत्वाधान में आम जन के हितार्थ चश्मा बश का उद्घाटन संपन्न हुआ। समाज सेवी तथा नेत्रम आई फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आंचल गुप्ता की अगुवाई में असहाय लोगों के लिए चलाई जा रही मुहिम के चलते अपनी सेवाएं घर घर पहुंचाने के लिए चश्मा बस का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि हरलीन कौर जिला मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट दिल्ली के कर कमलों द्वारा रिबन काटकर दिल्ली के निवासियों को समर्पित किया गया। वहीं डॉक्टर रोहित गर्ग मनोचिकित्सक तथा वेद प्रकाश थाना प्रभारी सीआर पार्क की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह में कोरोना के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए संस्था के संस्थापक डॉक्टर अंचल गुप्ता, सत्यन शर्मा कैशियर तथा प्रबंधक सहित नेत्रम परिवार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि हरलीन कौर ने नेत्रम आई फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही चश्मा बस की सराहना करते हुए कहा, इसमें उन गरीबों और असहाय लोगों का भला होगा जो पैसों की तंगी की वजह से अपनी आंखों का इलाज नहीं करा पाते। उन लोगों के जीवन में रोशनी भरने का काम कर रही है नेत्रम आई फाउंडेशन। इसके लिए निश्चित रूप से नेत्रम आई फाउंडेशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैडम क्या लगा आज नेत्र आई फाउंडेशन की ओर से चश्मा निशुल्क जांच वैन का आयोजन किया है, क्या आपके ये विचार कहाँ से आया आपको? नेत्रम आई फाउंडेशन ने आज एक नोबल एक पहल की है जिसमें जो एक फ्री प्रशिक्षण जिसका जो निरीक्षण है आँखों का उसके लिए अपनी मोबाइल वैन के थ्रू वो शुरुआत कर रहे हैं ताकि दूर दराज मेरी बधाई नेत्रम फाउंडेशन को डॉक्टर आंचल को जो सारी चीज़ का संचालन कर रहे हैं। कोरोना काल में जो दुविधाएँ हैं लोगों की अनेक लेवल के ऊपर बढ़ गई हैं, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने गैर जरूरी इलाज को भी पीछे डाला है क्योंकि वो अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की कोशिश कर रहे थे, बच रहे थे अस्पतालों में या क्लिनिक को जाने से। ऐसे में अब क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, 5-8 महीने हो गए हैं जब पहले लॉकडाउन था, बाद में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रही। ऐसे में मैं समझती हूँ कि नेत्रम आई फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत ही उत्तम का एक स्टेप लिया जा रहा है जहाँ पर अब इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कि अपनी हस्ती को डरती हुई मुझे बताया गया है कि कंजस्टेड एरिया जो जिली क्लस्टर्स हैं जहाँ पे लोग इतना शायद इन बातों की तवज्जो भी नहीं देते अपनी आँखों की सेहत की, तो वहाँ पर जाकर के जैसे आपका गढ़ी इलाका हो गया, संगम बिहार हो गया, ऐसे इलाकों में ये जाकर के लोगों को काउंसलिंग भी करेंगे, तुरंत चेकअप करेंगे और जहाँ तक हो सके उन्हें इलाज में हो जाएगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ये बहुत ही नेक कार्य है जिसका आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से इस सारी कार्य को शुभकामनाएं। मैडम क्या बच्चों के लिए भी कुछ रखा है? बच्चों की आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है जिसके अंदर कई डॉक्टर्स का मानना है कि बच्चों की आंखों पे असर पड़ रहा है इस चीज़ का। बच्चे बुजुर्ग या सभी मतलब इसमें जब उनका एक आई कैंप जाएगा तो मोबिलाइजेशन हर किसी की की जाएगी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि विशेष करके किसी को देखेंगे किसी को हटाएंगे, तो बच्चों के बीच में है। बल्कि मुझे बताया गया है कि संस्था की तरफ से ये मोबिलाइजेशन के तौर पे भी करेंगे कि बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस करें, दैट इज़ वन पार्ट, अदरवाइज स्क्रीन से काफ़ी दिक्कत होती है। आप दिखाना चाहते हैं देखिए, आज तो हम कार्यक्रम का इसमें आए हैं जो संस्था की तरफ से है, सरकार के अनेकों कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहे हैं, हम उनके साथ भी सम्मिलित हैं, लेकिन अगर कोई की तरफ से अपना उद्यम करता है हम उनका मौका बढ़ाने के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल गुप्ता, नेत्रम आई फाउंडेशन। आज हम लोग नवरात्रि के शुभ अवसर पर चश्मा बस नाम का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। नेत्रम आई फाउंडेशन हमेशा से इस बारे में अग्रसर है कि ऐसी ब्लाइंडनेस जो प्रिवेंटेबल है उसको हम लोग खत्म कर सकें।
जो भी लोग इलाज के द्वारा उजाला पा सकते हैं उन्हें उजाला पाने की अपॉर्चुनिटी हम पिछले 10 सालों से देते आए हैं। कोरोना काल में जब हमने देखा कि मरीज डर के मारे या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमने अपना प्रिंसिपल रीचिंग द अनरीचेबल के तहत चश्मा बस का लॉन्च किया, जिसमें हम उन इलाकों में पहुंचते हैं जहां के मरीज सुविधाओं के अभाव में, फाइनेंशियल अभाव में, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से हॉस्पिटल नहीं आ पाते। तो चश्मा बस एक ऐसी व्हीकल है जिसके अंदर आँखों की जाँच का सारा सामान है, कंप्यूटराइज द्वारा आँखों के चश्मे का नंबर, एक LED स्क्रीन जिससे एग्जैक्ट जांच हो सके, ऑटोरेफ नाम की मशीन जो कि मोतियाबिंद, काला मोतिया या पर्दे की बीमारियों का सही जांच कर सके, ये सब कुछ संलग्न है। और हर दिन ये 10 से लेकर 6 बजे तक अलग अलग इलाकों में जाया करेगी, आबादी ग्रस्त इलाकों में, जिन भी लोगों को आँखों की समस्या है वो फ्री में इलाज कर सकते हैं, आएंगे वहाँ आपका इलाज करवाएंगे, चश्मे का नंबर देंगे, बहुत ही न्यूनतम दरों में उन्हें अपना चश्मा देंगे। जिन मरीजों को आँखों में और बीमारियाँ हैं, नेत्रम आई सेंटर में हफ्ते में 3 दिन हम लोग चैरिटी ऑपरेशन करते हैं, इसमें ऑपरेशन भी चैरिटी दरों में होते हैं, तो ये बस उन मरीजों को अस्पताल तक आने का जरिया दिखाएगी। फ्यूचर में हम लोग इसको बड़ी बस में कन्वर्ट करेंगे ताकि मरीज उस बस में बैठ के अस्पताल तक आ भी सके। तो नेत्रम आई फाउंडेशन के दो बहुत ही फिक्स विजन है, रीचिंग द अनरीचेबल, जो हम तक पहुँच ना पाए उस तक हम पहुँचेंगे, एंड फिनिशिंग प्रिवेंटेबल गार्ड, अंधकार नहीं होना चाहिए, खास तौर से ऐसा अंधकार जिसका साइंस में इलाज है, लोग सिर्फ अपने लैक ऑफ रिसोर्सेज के वजह से नहीं पा रहे। मैम कितनी बसें अभी तक? एक बस के साथ शुरू कर रहे हैं और हमारा कोशिश है कि हमारी बस अक्टूबर निकोबार में ही चले, और मैं वाकई में चाहूँगी कि वो दिन होगा जब हम सब इकट्ठे हों और हम अपनी 100वीं बस पे बैठे हों और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इसका क्या आउटकम है। हम लोग वो दिन भी देखेंगे, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। मैम सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको इस कार्य में करने के लिए? एज अ फाउंडेशन मुझे हमेशा हेल्प इन सपोर्ट मिल रही है, हमारे रस्ते में कोई अड़ंगा ना बने यही बहुत बड़ी बात है, तो हमें हमेशा नेसेसरी परमिशन मिली है, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा साथ दिया है, और DM साहिबा हमारे साथ में है, वो अपने आप में ही उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं नेत्रम आई फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2013 से हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है और पूरे पैन इंडिया, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम 7 ईयर में 16 स्टेट को कवर किया और आगे भी हम इसी तरह का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। सचिन जी, जो आज आपने चश्मा बस का आयोजन किया, ये लॉन्च किया, ये इसका आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से सोच आई इसकी आपको करने? इसकी सोच इसलिए आई कि क्योंकि जब हम लोगों का स्कूल विजन एक रोशनी प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम जब चला था तो उसके बाद हमें पता चला कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना विजन नहीं कर पा पाए, तो हमारी प्रोग्राम रोशनी है जो IGL है तो वहाँ से हमें एक मिला। दूसरी चीज़ है कि ऑप्टिकल शॉप को हमने देखा कि बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप हैं, लेकिन जो वृद्ध आदमी है, जो गलियों के लोग हैं, जो स्लम एरिया के लोग हैं, उनके तक सेवा नहीं पहुंच पाती है। ऑप्टिकल शॉप तो चलो अपने VIP मार्केट में होती हैं, हर स्लम एरिया में ऑप्टिकल शॉप नहीं मिलेगा। तो मोबाइल एम्बुलेंस का सर्विसेज तो आज से नहीं कई सदियों से चला आ रहा है भारत देश में, तो ये मोबाइल एम्बुलेंस की तरह ही हमने इसको इनिशिएट करने का प्रोग्राम रखा कि ताकि लोगों को जाकर ये स्लम एरिया के क्लस्टर में जाके जाँच करें और वहाँ पर स्पेस कम होती है, तो इसलिए हम इस गाड़ी को इसी तरह से मॉडिफाई किए कि रोड पर भी खड़े होकर काम कर दिया जाए, क्योंकि उसके लिए हमें इतनी ही जगह सफिशेंट है और लोगों को जांच करने के उपरांत फिर आती है कि सारी चीज़ें आप एम्बुलेंस वैन से या रोशनी चश्मा बस से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सारी मशीनें लेकर आप कभी भी फील्ड में नहीं जाते हैं, तो इसके लिए आपको रेफर टू हॉस्पिटल तो करना ही पड़ता है। तो हमारे नेत्रम आई फाउंडेशन ने भी इसको देखते हुए 3 दिन चैरिटेबल रखा है, जो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर चलता है? ये यहीं इसी सेंटर पे चलता है, CR पार्क जो हमारी मेन ब्रांच है यहीं पे हमारा चलता है, तो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी लोग जो अपने कैटरेक्ट करवाने के लिए चाहते हैं और पहुँच नहीं पाते, तो हमारे और भी वैने हैं जो कि पेशेंट को लाने का और ले जाने छोड़ने का दोनों काम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, पेशेंट का कोई चार्ज नहीं। आपको कभी भी कहीं से भी कॉल करें तो आप उनकी हेल्प करोगे? हमेशा बिल्कुल करेंगे, हमारा लक्ष्य ये है कि उनको हेल्प पहुँचाया जाए सभी लोगों को। इसके अंदर क्या सुविधा है? इसके अंदर जो सुविधाएँ हैं कि आप एक तो है स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाना,
मशीन से। बहुत लोग होता है कि ऑटो रेस जो है बड़ी बहुत मशीनें बड़ी होती हैं, तो हम लोगों ने त्रिनेत्रा नाम से एक डिवाइस परचेज किया है जिसके यहाँ पे हैंडेड ऑटो रेफ होती है। ये डिवाइस है जो सभी लोगों को बताना चाहूँगा, इस डिवाइस एक तरह से ये ऑटो रेफ है और बड़ी मशीनें को लेकर आप कहीं पे कैरी नहीं कर सकते। ये क्या होता है, हैंडेड है, आप अगर खरीदें तो इस तरह से हम आपका जांच करके ये नंबर आपका बता देता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर आपको उसके लिए ट्रायल सेट चाहिए ही चाहिए। सतन जी, अगर आप तक किसी को पहुँचना, किस तरह से पहुँचा जा सकता है? तो आपके माध्यम से तो पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, साथ साथ में हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया जाएगा। गाड़ी पे ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर है, हमारी हेल्पलाइन नंबर जो है 0114104665। एक ये भी अगर इमरजेंसी में नहीं लगता तो हमने अपना नंबर दे रखा है लोगों को कि अगर मान लीजिए लैंडलाइन नंबर नहीं मिलता तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर।